ऐ मुल्क के फना के रहने वालों, देखो इस दरबार में तुम्हारे मुख्तलिफ फिरकों के आली वकार जलवा गर हैं। बहुत से हुब्बुल वतन के शहीद हैं जिन्होंने अपने मुल्क के नाम पर मैदान जंग में जाकर हूनी हल्लत पहने। अक्सर मुसन्नफ और शायर हैं और बेऐबी से जिंदगी बसर कर गए हैं। ऐसे जीरक और दाना भी हैं जो बसमे तहकीक के सदर और अपने अहद के बायसत फखर रहे। बकाए दवाम दो तरह की है, एक तो वो ही जिस तरह रूह फिल हकीकत बाद मरने की रह जाएगी के इसके लिए फना नहीं। दूसरी आलम यादगार की बका जिसकी बदौलत लोग नाम की उम्र से जीते हैं और शोहरत नवाम की उम्र में पाते हैं। नामवरान मौसुफ के हालात ऐसे दिल पर छाए हुए थे कि उन्होंने मुझे सोते सोते चौंका दिया। मैं इस आलम में एक ख्वाब देख रखा था, क्योंकि बयान उसका लुत्फ से खाली नहीं इसलिए अर्ज करता हूँ। ख्वाब में देखता हूँ कि गोया मैं हवा खाने चला हूँ और चलते चलते एक मैदान वसी अल्फजा में जा निकला हूँ जिसकी वसत दिल अफरोज मैदान ख्याल से भी ज्यादा है। देखता हूँ कि मैदान मजकूर में इस कदर कसरत से लोग जमा हैं कि उन्हें अपनी अपनी कामयाबी की तदबीरों में लगे हुए हैं।